ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आज फिर आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए मैं अपने चर्चा का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। जो भी मैं चर्चा करूंगा वो मेरी देखिए चंद्र राशि पर आधारित होगी। लग्न राशि से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में से कुछ नहीं मालूम और नाम राशि से भी देख सकते हैं। मित्रों देखिए एक और आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को देखिए स्किप स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखेंगे तो कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा शुरू से देखें तो भी आपको समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे तो मेरी मेहनत भी सार्थक होगी। तो आप उसको पूरा देखिए और देखिए अच्छा लगे तो फिर कमेंट में आप तारीफ करिए और लाइक करिए और नहीं तो आप डिसलाइक भी करिए। लेकिन देखिए गलत सलत कमेंट अच्छे नहीं लगते जो कि अभद्र होते हैं या ऐसे कमेंट जो कि सोशल मीडिया पे अच्छे नहीं लगते। तो आप देखिए अभी मैं जो बात करूँगा उसको आप जाते जाते कमेंट में कुछ लिख करके जाएं नहीं तो फिर माँ गणेशाय नमः लिखेंगे ना भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों अब मैं देखिए गणपति उवाच से गणपति उवाच का मतलब वाकई में गणपति भगवान गणेश की वाणी समझ लीजिए इसको। तो अब देखिए मैं जो आपको चर्चा करूँगा अभी देखिए मैं पहले और राशियों की चर्चा भी कर चुका हूँ और मैं आज वृश्चिक राशि की चर्चा करने वाला हूँ लेकिन वृश्चिक राशि की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ और मेरे पास मैसेज आ रहे हैं मैसेज के भाई वृश्चिक राशि के बारे में कुछ बताइए। तो मैं पुनः एक बार आपको बताऊँ वर्तमान गोचर के हिसाब से और आगे आने वाले टाइम में खाली यही नहीं कि जो अब जो पहला तो निकल गया। अब देखिए जो चेंजेस आएंगे गोचर में या जो चेंजेस आएंगे आगे तक उसके हिसाब से वृश्चिक राशि का और वर्तमान में गोचर क्या है वर्तमान में कौन ग्रह कहाँ बैठा हुआ है प्लस आगे भी जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो मैं बताऊं। देखिए आपको अभी वृश्चिक राशि के लिए देखिए आप वृश्चिक राशि नंबर 8 लगन में है और देखिए ज़्यादातर जो ग्रह कंसंट्रेट कर रहे हैं वो इस समय कुंभ राशि मीन राशि और मेष राशि तीन राशियों में ही हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए ये तीनों राशियाँ मतलब चौथा भाव पांचवा भाव छठा भाव है। अब देखिए चौथा भाव जो है कुंभ राशि का है तो कुंभ राशि में तो शनि वर्तमान में स्थित हैं और देखिए शनि जो है वो अभी 18 मार्च को उदित अवस्था में आए थे तो उदित अवस्था में आकर के शनि बहुत प्रबल हो जाते हैं और यंग शनि यूथ शनि डिग्री वाइज प्रबलता आ जाएगी। तो देखिए अगली पूरी अब एक साल ही समझ लीजिए 29 मार्च 2025 तक शनि रहेंगे यहीं पर चौथे भाव में वृश्चिक राशि के लिए। तो मूल त्रिकोण राशि है शनि की और देखिए अभी शनि जो है केंद्र में बैठे हुए हैं तो शनि केंद्र में बैठ करके सहस्त्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देखिए सहस्त्र महापुरुष राजयोग खुद बहुत अच्छा योग होता है और मूल त्रिकोण देखिए शनि जो है 10वें भाव के स्वामी भी हैं 11वें भाव के भी स्वामी हैं और देखिए शनि जो है अब उच्च के हो गए और एक साल तक यहीं रहेंगे करीब तो सुख साधनों में देखिए आपको अंबार लगा देंगे। आपको जो भी आपको चाहिए जमीन चाहिए खेती की जमीन चाहिए बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए
इन सब चीज़ों में आपको अच्छा सहयोग करें, जो उच्च के शनि हैं और चौथे भाव में है। और देखिए यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है शनि की, तीसरी दृष्टि पड़ रही है एक दो तीन, वो छठे भाव में है जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। और देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं और बल्कि मैं कहूँगा बुद्ध भी वहाँ है, बुद्ध बृहस्पति दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि बुद्ध जो है 26 मार्च को बुद्ध यहीं आ जाएंगे बृहस्पति के पास छठे भाव में। तो छठे भाव में बुद्ध और बृहस्पति दोनों ही बुद्धि विवेक वाले ग्रह 26 मार्च से लगा लीजिए आप, अभी तो आज 24 है तो 26 से लगा लीजिए, तो 26 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, बुद्ध बृहस्पति दोनों यहाँ आ जाएंगे। नई नौकरी में तरक्की, वेतन वृद्धि और बुद्धि विवेक से जो भी आप काम करेंगे उन सब में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, आप CA हैं, ऐसा लोग जो बुद्धि विवेक से काम करते हैं उन सबको जो है धन का लाभ होगा। और चूँकि शनि भी देख रहे हैं तीसरे भाव को, तो शनि भी देखिए, बुद्ध तो शनि के मित्र हैं और बृहस्पति तो गुरु हैं सभी के, तो गुरु का तो किसी से लड़ाई नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि शनि भी जो है तीसरे भाव को बल देंगे, यानी आपको जो है नई नौकरी में तरक्की है, नौकरी नहीं है तो अच्छा, और ऑलरेडी है अगर तो ट्रांसफ़र हो सकता है अच्छी जगह पर वेतन वृद्धि के साथ साथ। तो शनि की जो है तीसरी दृष्टि बृहस्पति की और बुद्ध के ऊपर उसी भाव में, छठे भाव में, छठा भाव तो बहुत देखिए, और रोग ऋण से मुक्ति, अगर आपने कहीं से कोई लोन लिया हुआ है तो चुकता हो जाएगा, या आप अपने किसी काम के लिए लोन चाहते हैं तो बैंक आपको सपोर्ट करेगी, लोन मिल जाएगा। बीमारियां आपकी देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है दूर हो जाएंगी, फ्रेश आपका जीवन। और देखिए कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सका इस समय, देखिए शत्रु तो बहुत होंगे आपके, लोग आपसे जल्दी मानेंगे, जलेंगे आपके, आपकी तरक्की से लोग परेशान होंगे, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे शनि की वजह से जो है। और देखिए यहाँ से फिर 3, 4, 5, 6, 7 शनि की दृष्टि जो है दसवें भाव में पड़ेगी, और दसवां भाव का मतलब रोजगार का क्षेत्र, तो रोजगार के क्षेत्र में वही मैंने बताया आपको, नौकरी में तरक्की यानी व्यापार में तरक्की। और देखिए आपके बॉस थोड़े से शनि की वजह से आपको थोड़ा सा नौकरी के क्षेत्र में आपके मित्र लोग थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, पर आपकी तरक्की को रोक नहीं पाएंगे, बॉस भी आपके थोड़े से नाखुश रहेंगे, लेकिन वो आपका जो शनि की दृष्टि जो है। और देखिए यहाँ पर मंगल भी है, हालांकि मंगल का शनि का जो है थोड़ा सा तो है अंगारक बनता है, अंगारक योग कहिए, अंगारक दोष कहिए, तो मैं ये समझता हूँ देखिए अभी अंगारक दोष के कारण शनि का और मंगल का अंगारक दोष जो बना वो, इसका मतलब ये है आपके आसपास, आपके शहर में, आपके कंट्री में, देश में आग्नेय जन मतलब अग्नि वाली घटनाएं बहुत होंगी, क्योंकि और देखिए आपको अपनी थोड़ा वाणी में थोड़ा मृदुता लाइए, वाणी मुलायम रखिए तो ठीक रहेगा। पर देखिए मंगल जो है एनर्जी के सोर्सेज हैं, अग्नि भी है मतलब भरी हुई, तो मंगल यहाँ बैठ जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर आपको ऊर्जा एनर्जी देते हैं, और शनि के साथ देखिए अंगारक दोष बनता है। तो कंट्रीज में अब देखिए जो पहला 2 साल पहले जब रशिया का यूक्रेन का वार शुरू हुआ था तब भी यही बना था अंगारक दोष, और मैंने उस समय भी भविष्यवाणी की थी कि कुछ न कुछ दुर्घटनाएँ घटना होने वाली हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ ये अंगारक दोष अभी रहेगा मंगल का शनि का, और देखिए आगे 23 अप्रैल के बाद फिर मंगल राहु के पास जब आ जाएंगे यानी आपके 5वें भाव में आ जाएंगे तो भी राहु के साथ भी अंगारक दोष रहेगा, यानी ये टाइम जो है मंगल का थोड़ा सा अच्छा नहीं है। देखिए मंगल का जो है टाइम आपके शहर के लिए, आपके कंट्री के लिए, बल्कि वर्ल्ड के लिए थोड़ा बहुत घटना है, दुर्घटना है, आगजनी, लड़ाई झगड़े, टेंशन रहेंगे, तो लेकिन इसमें पर्सनल उसमें वो नहीं है, ये तो आपके वातावरण को ही जो अंगारक दोष जो अग्नि
यानी एनर्जी जो है आपके वातावरण को ही दूषित बनाएगी, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा सा गर्मी लाएगी, टेंशन लाएगी, उसकी वजह से देखिए आपको, आप जहाँ काम करते हैं आप वहाँ थोड़ा सा आपको आपके बॉस आपसे कुछ नाराज से रहेंगे तो आपको भी क्रोध आएगा। देखिए अगर आपने क्रोध आया तो आप नुकसान हो जाएंगे, आप क्रोध को दबाइए बस। आपके मंगल जो है, अब देखिए आपके जो आप को वर्कर्स होंगे जहाँ भी आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सब भी आपसे जेलसी में रखेंगे, आपके चिड़े रहेंगे, आपकी तरक्की से उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो भी आप देखिए वाद विवाद होगा किसी बात पर तो नुकसान हो जाएगा। तो आप हर चीज़ को टैकल कीजिए मीठे बोलने से, वाणी को थोड़ा सा कम कोशिश करिए। हालांकि मंगल जो है होने नहीं देंगे, क्यों मंगल में ऊर्जा है, प्रबलता है, तेजी है, गर्मी है, लेकिन आपको थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। संयम नहीं रखेंगे भाई तो नुकसान पाएंगे, आप नौकरी के क्षेत्र में भी, आप व्यापार में भी, जहाँ भी होगा। तो आप देखिए वैसे आपके चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो भूमि भवन बंगला गाड़ी वो कारक सब दिलवाएंगे, शनि भी दिलवाएंगे, और देखिए माता का स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, आपको जो भी सुख सुविधाएं चाहिए सब मिलेंगी। लेकिन आपकी तरक्की से आपके बंधु बांधव, आपके मित्र लोग जलन करेंगे, जेलस होंगे, तो वो आपको परेशान करना चाहेंगे, लेकिन आपको वाणी में मृदुता लाएंगे तो ठीक बने रहेंगे। और आप बेपरवाह रहिए, किसी की फिक्र मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। शनि तो अगर आप देखिए मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो शनि तो आपको फिर देखिए आशीर्वाद वरदान देंगे, आपको खुश कर देंगे, धीमे धीमे करें। पर देखिए आपने अपने कर्मों में शिथिलता लाए, अगर आप अपने कर्मों में जो है आलस लाए, अगर आप अपने कर्मों में देखिए लोअर लोगों को यानी थोड़ा सा गरीब लोगों के साथ, मजदूर टाइप के लोगों के साथ आप अपना अच्छा माहौल बनाकर रहिए, अगर आपने उनको गरीबों को खुश किया, गरीबों को कोई मदद की, तो देखिए शनि की मदद आपको मिलेगी। शनि देखिए और दंडित करते हैं करेंगे आपको राहु के सुख, क्योंकि शनि के कोतवाल जो है राहु है, और राहु देखिए बैठे हुए हैं पंचम भाव में, पंचम भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है ग्यारहवें भाव पर, तो फिर थोड़ा धन का कमी हो जाएगी, आर्थिक हालत थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर आपने मेहनत की, अगर आपने गरीबों को सताया नहीं, अगर आपने भ्रष्ट आचरण नहीं किए, तो फिर आपको देखिए धन का लाभ भी होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारियां दूर रहेंगी, नौकरी में अच्छी तरक्की रहेगी, दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, और भूमि भवन बंगला गाड़ी से क्रय विक्रय से लाभ होगा। आप चाहे कोई अपने पुराना मकान गाड़ी बेचना चाहें तो भी लाभ होगा, और नया खरीदना चाहें तो भी लाभ होगा, अच्छा रहेगा। तो बस यही है भाई, वाणी को अच्छा रखिए, शनि खुश रहेंगे, और परिश्रम बहुत कीजिए, आप देखिए आलस मत कीजिए, और आज का काम कल पर मत टालिएगा। आप जो है जितना एक्टिव रहेंगे, जितना काम तेजी से करेंगे भाई, शनि की कृपा मिलती रहेगी और मंगल का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। मंगल की तो राशि ही आपकी स्कॉर्पियो, मंगल तो आपको धोखा दे नहीं सकते, मंगल तो आपसे नाराज रह नहीं सकते, मंगल अपने और चौथे भाव में मंगल कारक बैठे हुए हैं, आपको भूमि भवन वाहन सबसे अच्छा फायदा देंगे और जॉब में तरक्की देंगे। बस शर्त यही है, वाणी को मीठा रखिएगा, क्रोध मत कीजिएगा किसी पर, बिना बात को क्रोध मत कीजिए, सताइए बात। तो मंगल की शनि की जोड़ी चौथे भाव में जो कि अंगारक योग भी बना रही है, लेकिन फिर भी लाभ तो मिल रही है। हाँ, वातावरण जो है अग्निमय रहे, आपके देखिए और लड़ाइयाँ आपके शहर में, आपके कंट्री में, आपके और दुनिया में ये तो होगा, आने वाले टाइम जो है, और देखिए हिंदुस्तान में भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो टेंशन तो होगी, वाद विवाद होंगे आपस में, आपके पड़ोस में, घर में बहस होंगी, बहस पर कंट्रोल रखिए, यानी बहस क्या फ़ायदा बहस से भाई, जो आपको करना है करिए, जिसको आपको सपोर्ट करना करिए, लेकिन कोई बहस मत कीजिए, टेंशन नहीं आएगी, झगड़ा नहीं होगा,
और वो तो देखिए मंगल तो ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो वो तो ऊर्जा तो कहाँ जाएगी भाई, तो थोड़ा झगड़ा तो हो गया। अब देखिए पूरा विश्व में होगा, मैं बता रहा हूँ, देखिए यूक्रेन का, रशिया का, अमेरिका का और इजराइल का, ये सब बहुत आगे बढ़ने को है, कम नहीं होने वाला। ये टेंशन जो है, ये सब अभी शनि और मंगल की और फिर मंगल की राहु की अंगारक दोष आपको पूरे विश्व को जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं तो आपकी स्कॉर्पियो राशि की बात कर रहा हूँ, तो स्कॉर्पियो राशि में देखिए अभी जो है आपके 9 अप्रैल से 10 मई तक देखिए बुध जो है आए, नहीं 9 अप्रैल से मीन राशि में आएंगे देखिए, और सूर्य जो है देखिए 14 मार्च से 13 अप्रैल मीन राशि में आएंगे। मीन राशि का मतलब राहु के पास, तो सूर्य का भी देखिए ग्रहण दोष लगता है, सूर्य का भी असर कम हो जाएगा थोड़ा सा पंचम में आकर के, मतलब राहु के पास आ गए, राहु से ग्रसित हो गए, तो जो सूर्य लाभ देते यानी धन देते, देंगे तो सही लेकिन थोड़ा कम देंगे, लाभ भाव दृष्टि पड़ रही है राहु की भी और सूर्य की भी। तो और देखिए अभी शुक्र भी जो है देखिए आ जाएंगे यहाँ पर, शुक्र भी जो है 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन में आ जाएंगे। तो अभी तो शुक्र भी जो है शनि के पास है इस समय, तो मंगल शनि और शुक्र भी देखिए शुक्र जो है राक्षसों के हैं, दैत्यों के गुरु हैं, शनि दैत्य हैं, तो शुक्र शनि मिलकर भी आप देखिए और मंगल सभी सुख साधनों का विकास कर रहे हैं, धन धान्य दे रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी आर्थिक, बस केवल आपके जेलस लोग आपके आपके आस पड़ोस के लोग, आपके साथ के लोग, आपके बॉस, आपके काम के बढ़ने से, आपकी तरक्की से जेलसी तो पैदा होगी, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए आप, उनको नाराज मत होने दीजिए। और भाई देखिए सूर्य राहु के पास आ जाएंगे जब, फिर शुक्र देखिए 31 मार्च को शुक्र भी आ जाएंगे राहु के पास, तो शुक्र राहु भी देखिए, राहु तो सेनापति हैं दैत्यों के, शुक्र गुरु हैं, तो शुक्र और राहु दोनों ही मिलकर के लाभ तो देंगे, आपकी एम्बिशंस बहुत बड़ी रहेंगी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपकी रहेंगी, बहुत फैलाव रहेगा आपका, आप जाने कैसे क्या चाहेंगे। देखिए आपका कोई नया प्रेम संबंध भी पैदा हो सकता है, और देखिए प्रेम संबंध में थोड़ा सा खटास भी आ सकती है अगर पुराना, नया प्रेम संबंध मीन्स टेम्पररी टाइप का, जो कि अच्छा नहीं साबित होगा, आपको धोखा दे सकता है, तो आप बच कर रहिए। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप दूर रहिए, वो आपको बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय राहु मंगल और देखिए शुक्र जब यहाँ आ गए, तो शुक्र तो खुद देखिए सौंदर्यता को, सेक्स को, प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई नया संबंध बनेगा जो कि आपको राहु देखे, राहु के और शुक्र के साथ साथ होने से भी वो प्रेम संबंध में आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, तो उसको आप धोखा देकर आपसे देखिए आप फिर टेंशन रहेगी, आपके माइंड में विचार आपके ऐसे आएंगे जो आपको मानसिक प्रताड़ना देंगे, मानसिक आपको वेदना देंगे, मानसिक परेशानी देंगे। तो शुक्र का राहु का अलग पंचम में है, षष्ठम में छठे भाव में बहुत खराब भाव होता है, फल पंचम में है, तो पंचम में देखिए आपको प्रेम प्रसंगों में आपको धोखा मिलेगा और प्रेम प्रसंग टूट भी सकते हैं, होशियार रहिए बस आप कोशिश से दोस्ती करें तो उससे ज़रा होशियारी से कीजिएगा, खाली अंधे होकर के आप मत फंस जाइएगा, धन का लाभ तो मिलेगा और देखिए धन का खर्चा भी होगा, क्यों कोई प्रेम प्रसंग में और उसी की वजह से टूटेगा वो, कोई आपको ऐसा आएगा आपके जीवन में जो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा और आपको धन का लाभ चाहेगा, तो आप उसके बातों में आकर के अपना नुकसान कर सकते हैं। शुक्र है आपके सुंदर, कोई सुंदर व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है,
आपके विपरीत लिंग का, और सुंदरता की वजह से आप उसको प्रभावित हो जाएंगे, तो उससे बचकर रहिए भाई। तो ये जो है, चूँकि राहु भी है और काफ़ी आप राहु तो यहाँ काफ़ी टाइम तक रहेंगे यहीं पर, और शुक्र तो आए यहाँ पर जैसे कि 31 मार्च को आए, 25 अप्रैल को, तो 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन में रहेंगे राहु के पास। उसके बाद 25 अप्रैल से के बाद फिर जो है 25 अप्रैल से फिर 19 मई तक शायद मेष राशि में आ जाएंगे शुक्र, तो 19 मई यानी कुछ टाइम जो है बृहस्पति के साथ रहेंगे। फिर तो बृहस्पति देखिए आगे निकल जाएंगे सातवें भाव में, पर छठे भाव में बृहस्पति रहेंगे और शुक्र भी कुछ टाइम तक साथ साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ दो दो गुरु, दैत्य गुरु और ये जो, आपको कोई धन की तो परेशानी नहीं आएगी। और देखिए आपको बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है और बुध की और शुक्र भी जो बृहस्पति जो दृष्टि पड़ेगी आपकी 12वें भाव में, वो थोड़ा सा धन का खर्चा कराएगी। धन का यानी यहाँ से जो है छठे भाव से बृहस्पति जो है 12वें को देखेंगे तो थोड़ा धन का, बृहस्पति की 12वें दृष्टि धन की हानि कराती है। देखिए विदेश से धन का लाभ भी होगा, शुक्र आ गए यहाँ पर तो शुक्र विदेश से धन का लाभ भी दिलाएंगे, और बुध भी जब तक रहेंगे तो व्यापार में लाभ दिलाएंगे, विदेश व्यापार में तरक्की होगी, विदेश आप जा सकते हैं जॉब के लिए, विदेश से आपको धन का लाभ होगा लेकिन धन का खर्चा भी होगा। आपको किसी अचानक से जो है किसी बीमारी में, किसी हॉस्पिटल में उसके दबाव के लिए अस्पताल के खर्चे में खर्चा करना पड़ सकता है, तो उसका ज़रा आप खाने पीने का ध्यान रखिए, पहले से अलर्ट रहेंगे तो आप बच जाएंगे। आप सोते हुए देखिए, आप सोए रहेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, और जगे रहेंगे अलर्ट रहेंगे तो आप झेल जाएंगे उसको और थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, बीमारी ज़्यादा तक नहीं कर पाएगी। लेकिन छठे भाव से देखिए 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव में रोग ऋण हंता तो है, योग तो बन रहा है, लेकिन 12वें पर जो दृष्टि पड़ रही है वो विदेश से आपको लाभ, विदेश से आपको धन का लाभ और बृहस्पति की वजह से धन का खर्चा। भाई लाभ होगा तभी तो खर्चा आप करेंगे, तो खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए चाहिए, पैसा भी आएगा और खर्चा भी होगा। तो ये मैं समझता हूँ, देखिए गुरु शुक्र गुरु और सूर्य, जब सूर्य देखिए मेष में जब आ जाएंगे, यानी आप देखिए सूर्य का, सूर्य तो मेष में बड़े उच्च के होते हैं, तो सूर्य जो है देखिए 13 अप्रैल से आ जाएंगे फिर मेष में, 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक सूर्य रहेंगे मेष राशि में, तो 30 अप्रैल तक तो बृहस्पति यहाँ रहेंगे, तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बृहस्पति का और सूर्य का साथ रहेगा देखिए राजा और देवगुरु, तो फिर यहाँ आ कर के सूर्य अच्छा खासा आपको धन का लाभ देंगे। विदेश से तो आपका समझ लीजिएगा जाना ही पड़ेगा आपको, आपका विदेश की तैयारी रखिए, अपना बैग तैयार रखिए। आपको ये टाइम जो है अप्रैल का लास्ट जो आपका 15 दिन है, इनमें बृहस्पति और सूर्य छठे भाव से 12वें को देख रहे हैं, और सूर्य जो है बड़ी प्रखरता से आपको प्रकाश देंगे, आपके जीवन में प्रकाश भर देंगे, तो आपको बहुत देखिए विदेश तो जाना ही पड़ेगा। आप जरा सा भी कोई विदेश से कनेक्शन है, अब भाई आप कुछ नहीं करते हैं और फिर कह रहे थे मैं विदेश कैसे जाऊँगा, भाई विदेश जो आप देखिए आपका विदेश में जरा भी कनेक्शन है, कोई नौकरी का है, आपने अप्लाई किया है, कोई व्यापार करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सरकारी ठेके पर सरकारी काम से, तो विदेश ऐसे आपकी स्थिति है। आप कोई 90-95 साल का आदमी कहता है मेरी राशि में आपने बताया विदेश जाऊँ, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, भाई कैसे चला जाएगा। भाई आपका विदेश से जाने लायक कनेक्शन तो हो, आपका वो काम तो हो, तो आपका सफलता मिलेगी इस समय, मैं यही कह रहा हूँ। और देखिए यहाँ से बृहस्पति ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ से एक वो बता चुका हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति 10वें भाव को देख रहे हैं, 6, 7 विदेश भाव को देख रहे हैं, 8, 9 और
धनु राशि को यानी धन भाव में देख रहे हैं, तो धन तो आएगा, बृहस्पति धन भी देंगे, धन भाव दृष्टि है और बारहवें में दृष्टि है, तो खर्चा भी कराएंगे, दोनों काम है। धन आएगा खर्चे के लिए, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, धन आएगा तभी तो खर्चा करेंगे। तो भाई स्कॉर्पियो वालों, मैं तो ये समझता हूँ आपके ज़्यादातर ग्रह चौथे पाँचवें छठे भाव में हैं, तो आपके पाँचवें भाव से देखिए शुक्र जब यहाँ आएंगे जैसे मैं बताया, और राहु हैं यहाँ पर, और देखिए सूर्य भी रहे जब, तो उस समय देखिए आपके संतान को भी लाभ मिलेगा, यानी आपके संतान भी जो है टेक्निकल क्षेत्र में काम कर रही संतान, इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिकल क्षेत्र में है, तो उसमें आपको संतान को भी लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में संतान भी आपकी अच्छी तरक्की करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी, यस नौकरी में भी सफलता मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, इस सब में आपको, लेकिन राहु के यहाँ होने से आपकी संतान को भी सफलता तो मिलनी है। तो मैं समझता हूँ चौथे भाव से जैसे मैंने बताया शनि मंगल, पांचवें भाव से सूर्य राहु और फिर और शुक्र भी है चौथे भाव में, पांचवें भाव में, और फिर छठे भाव में देखिए बृहस्पति और बुध का, और फिर बाद में सूर्य का यहाँ आना और शुक्र का भी आना। भाई आपका ये टाइम जो है, मैं तो समझता हूँ खाली शनि ही जो आपके एक साल तक करीब करीब जो चौथे भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं चौथे भाव से, देखिए सातवीं दृष्टि जो है आठवीं नौवीं दसवीं आठ नौ दस, शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके शरीर पर यानी लग्न पर जो है, भाई वो बड़ी गजब की है, आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट रखेगी, बड़ा एक्टिव रखेगी, आप बहुत कार्यशील रहेंगे, बहुत प्रगति करेंगे, शनि की कृपा मिलेगी, क्योंकि शनि जो है आपके दृष्टि से और बैठ करके सुख भाव में लग्न पर देखते हुए और कार्य क्षेत्र को देखते हुए सातवीं दृष्टि और दसवीं दृष्टि लग रहे हैं मंगल की राशि पर, तो मैं समझता हूँ शनि और मंगल दोनों ही आप अपनी वाणी में कंट्रोल रखेंगे तो आप देखिए उसको अंगारक दोष को छोड़ दीजिए, अंगारक दोष का असर तो पूरा विश्व में ही रहेगा। इंडिविजुअल रूप से आप जो है अपना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बहस न करें, बड़ा अच्छा रहेंगे, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, संतान को तरक्की और बुध और बृहस्पति और देखिए सूर्य और शुक्र अलग अलग टाइम में छठे भाव में भी आएंगे, पांचवें में भी रहेंगे, तो नौकरी में तरक्की, लेकिन विदेश से आपको लाभ भी मिल रहा है और खर्चा भी हो रहा है। तो मैं तो समझता हूँ चौथे भाव में भी शनि का और मंगल का लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है, बस आपके मित्र लोग, आपके जान पहचान के लोग, पड़ोसी आस पड़ोसी और परिवार के लोग भी थोड़ा सा आपकी वाणी को अच्छा रहेगा तो बस, लेकिन जेलस तो होंगे आपके मित्र लोग भी, जानने वाले लोग भी, आपकी प्रगति को सह नहीं पाएंगे लोग, आप जो उच्च की प्रगति होगी। और देखिए मंगल जब आ गए, मंगल भी तो आगे चलेंगे, मंगल फिर यहाँ से चौथे भाव से फिर पांचवें भाव में आएंगे और फिर जब 1 जून को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे, तो मंगल भी देखिए आकर के, अभी मैं आगे इतना लंबे टाइम तक की बात नहीं बताऊँ, लेकिन हाँ अप्रैल में मई में मंगल रहे आपके पंचम भाव में, और जब राहु के साथ 23 अप्रैल से और मई तक 19 मई तक शायद जो भी है, तो वो जो है ये जो टाइम रहेगा राहु के साथ मंगल का, मैं एग्जैक्ट बता दूँ, मंगल जो है देखिए 23 अप्रैल से 1 जून तक, 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल रहेंगे राहु के पास मीन राशि में, वो टाइम भी अंगारक दोष बनता है उस समय भी, लेकिन आपको देखिए वाणी में राहु, आप देखिए आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी, इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल रखिए, आप न मालूम कहाँ से कहाँ तक कल्पना करते रहेंगे और वो कल्पना आपकी गोते लगाएंगे, कल्पनाओं में कल्पना पूरी नहीं होंगी आपकी भाई,
तो फिर आपको मेंटल परेशानी आएगी, मेंटल सुख शांति छिन जाएगा आपका, क्योंकि आपका चंद्रमा मन जो है परेशान करेगा। और अभी तो देखिए अपने इच्छाओं पर कंट्रोल लगाइए, जो ईश्वर ने दिया है उसका उपभोग कीजिए और परिश्रम कीजिए, तो परिश्रम से आपको बहुत कुछ मिलेगा। व्यर्थ की कल्पनाएं मत कीजिए, कल्पनाओं के घोड़े पे मत दौड़िए कि ये होगा, जैसे श्रेक चिल्ली की जो कल्पनाएं होती है ना वो मत कीजिएगा, तो सुखी रहेंगे, शरीर भी सुखी रहेगा, बीमारियां भी भाग जाएंगी, क्योंकि शनि भी आपके तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं छठे भाव पर। और देखिए जैसे मैंने बताया मंगल भी 1 जून से जब यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में तो और अच्छा होगा फिर, क्योंकि मंगल फिर आपके शत्रुओं को भगा देंगे बिल्कुल, और मंगल जो है फिर छठे भाव से आपके नई नौकरी नया काम, जो मंगल आपके राशि के स्वामी हैं तो उससे आपको चौथे भाव से मंगल ने लाभ दिया, 5वें से दिया, छठे में आकर के भी दिया, और छठे से 12वें में देखेंगे तो 1 जून के बाद ही आपका विदेश से लाभ मिलेगा। तो ये जो मैं समझता हूँ आने वाला टाइम, एक तो शनि का पूरा 1 साल चौथे भाव में आपको बराबर सुख देगा, बराबर आपको सुख साधनों की वृद्धि कराएगा, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब सब लाभ दिलाएगा, और जॉब के क्षेत्र में बराबर दृष्टि पड़ रही है तो नौकरी में भी आपको सफलता, आप जो भी काम करेंगे, और देखिए सफलता मेहनत से काम करेंगे, आलस नहीं करेंगे, तो शनि का कृपा, देखिए शनि कभी किसी का शत्रु नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ शनि किसी के शत्रु नहीं है, शनि हमेशा मित्र है, बशर्ते आप सदाचारी अच्छे आचरण रखिए, दुराचारी मत बनिए, भ्रष्ट आचरण मत कीजिए, भ्रष्ट आचरण करेंगे तो शनि फिर राहु के द्वारा आपको दंडित कराएंगे, जो शनि तो न्यायाधीश हैं, राहु कोतवाल हैं, और राहु फिर आपको दंडित जरूर करेंगे भाई। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, देखिए फिर आऊँगा आगे तो किसी और राशि की चर्चा करूँगा, लेकिन आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जाते जाते कमेंट में माँ गणेश आय नमः लिखें, और भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर पाएं। मित्रों नमस्कार।